कामाख्या माता का दर्शन हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आज का दर्शन कार्यक्रम हुआ है। बहुत ही खुशी है और आनंद भी है। और पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी और सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर हम जाएंगे और हमारी काम की शुरुआत भी हो जाएगी। आपके पार्टी का फर्स्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था कल, तो महायुति का कैसा परफॉर्मेंस होगा इस चुनाव में? कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है, क्योंकि दो सवा दो साल में जो हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने जो काम किया है, अगर उसकी बराबरी करेंगे हम कंपैरिजन विद महाविकास आघाड़ी, तो 2.5 साल में उनका काम और 2.25 साल में महायुति का काम हम देखेंगे तो लोग खुद ही महायुति के पक्ष में वोट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पहला नंबर का है, जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करवाया था, स्टे करवाया था, हमारी जैसी सरकार 2 साल पहले आ गई, हमने सब स्टे हटा दिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, रोड हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, सभी काम को बहुत तेज गति दे दी। और लोगों को दिख रहा है महाराष्ट्र के बहुत जोर से डेवलपमेंट हो रही है और कल्याणकारी योजना जो है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन, लाडली बहन योजना, ऐसी लाडली बेटी योजना, कई योजना है, मैं अभी सब योजना को बताऊंगा तो बहुत समय जाएगा। लेकिन हमारी सरकार जो है एक कॉमन मैन की सरकार है, आम आदमी की सरकार है और इसलिए आम आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से बदलाव होना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए, उसका जीना जो है वो अच्छा होना चाहिए और इसलिए उसको कोई सुविधा मिलनी चाहिए, इस पर हमने काम किया है। और इसलिए बहुत ही जो पब्लिक परसेप्शन है महिलाओं में, बहनों में, हमारे लाडले भाई भाइयों को भी अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड योजना स्कीम हमने लागू कर दी, सीनियर सिटीजन को लागू कर दी, किसानों को लागू कर दी, जो बच्चियां पढ़ती है उनका हायर एजुकेशन, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनना है उसको भी मुफ्त में कर दिया। तो ये कल्याणकारी योजना एक तरफ है, डेवलपमेंट एक तरफ है और महाविकास आघाड़ी का 2.5 साल का काम, हम चाहते हैं हम जनता के दरबार में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं आपको बताऊंगा विश्वास के साथ, दावे के साथ, ये काम का जो हमने काम किया है सरकार ने, उसका निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह महायुति को फिर से जिताएगी।